दोनों इनकी शेड्यूल वर्सेस इंदौर, टॉस जीता है इंदौर ने। कोट लिया हेलो हेलो, अब वो हमसे दूर है, देखना पड़ेगी हमें, बैल बता दो। हाँ देख रहे हैं, महसूस दोनों जिलों की टीम है, महसूस शहडोल जिला नामों की एंट्री करवा दी रूम पे। दोनों ही टीम कैप्टन लिस्ट बना के देख रहे हैं। दूसरे कोर्ट में मैच चल रहा है, प्रारंभ हो चुका है, जो कि बालाघाट पर से बालाघाट के अंदर डालते हैं। रेड है बालाघाट, डिफेंस पहन तो दोनों ही टीमें मजबूत, हैंड टच की कोशिश लेकिन सफलता नहीं हुई। मजबूत टीम मानी जाती है इंदौर की। और राज स्तरीय जूनियर जिसके संरक्षक श्री मंत्री महोदय श्री नारायण सिंह जी पवार, शानदार है टच, राज मिला इंदौर को। संरक्षक सचिव रामभील मामा और अध्यक्ष अतुल जगताप, नगर पालिका उपाध्यक्ष ब्यावरा, हम सभी के टच को से बाहर फेंक दिए गए डेस्क के द्वारा। कोर नंबर दो पर एक और पश्चात विरुद्ध दतिया जिला, सीधी जिला विरुद्ध दतिया जिला सुपर टेकर। इसी प्रकार कोर नंबर एक पर इस मैच की समाप्ति के पश्चात रीवा जिला में भी तैयार हो जाए। रेड बालाघाट के दोनों टीम के डिफेंस तैयार है। डिफेंडर को एक अपर टू टच किया गया बालाघाट के रेडर द्वारा। टाइम आउट जा रहा है। सुनो, हमारे अतिथियों को जलपान की व्यवस्था कराएं प्लीज। अगले बालाघाट की ओर से तैयार है इंदौर के बालाघाट के अंदर, बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे बालाघाट के रेडर को पॉइंट निकालने का। मजबूत डिफेंस माना जाता है लेकिन कम नहीं है बालाघाट के खिलाड़ी का। कम नहीं है इंदौर, एक नंबर जस्ट में अश्वन डालते हुए इंदौर की ओर से बोनस लेने की कोशिश। देखना होगा रेफरी को बोनस हुआ है नहीं। बालाघाट के खिलाड़ी तैयार, अगली रेड बालाघाट की ओर से। देखना होगा इंदौर के डिफेंडर रेडर को रोक पाते हैं नहीं। चतुर चला वो खिलाड़ी अपनी साधना का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए, यहाँ जैसे मैं बार बार कहा करता हूँ, साधना एक शानदार जंप का प्रदर्शन। एक और अंक निकला है बालाघाट के दरम्यान। अगली रेट कबड्डी का ये अनुपम अद्भुत क्षण, क्योंकि राज स्पीड टूर्नामेंट का ये सेकंड मैच लेकिन सुपर टैकल का मौका देखते हैं रेफरी को। दो अंक मिले हैं, सुपर टैकल हुआ है थर्ड रेड इंदौर की ओर से। टू टच की डिमांड इंदौर के 10 नंबर रेड है। देखना होगा रोफी को क्या डिसीजन होगा। पहले की नगरी से 11 नंबर की येलो कलर और चुस्त खिलाड़ी उज्जैन रेड है बालाघाट की।
खिलाड़ी शेडो तैयार हैं इंदौर के धुरंधर रेडर को कैच करने के लिए, लेकिन हल्के में नहीं लेना होगा बालाघाट के रेडरों को, बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। सहदे पाते हैं कि मात खा पाते हैं इंदौर के डिफेंडर। जी हाँ, बड़क बनाने के लिए शिव पॉइंट निकालने सारी समस्या रेड लौटा जल। जी हाँ, प्रदीप मिश्रा जी के जे आशीर्वचन किया जा रहा है। श्री शिवान नमस्ते भ्यम मारने का प्रयास हो गया, काम आ गए राम, जय श्री राम। अजय चौहान बालाघाट की ओर से तैयार है इंदौर के डिफेंडर बैटर पकड़ने के लिए, बिल्कुल मौका नहीं देंगे। लगाते हुए एक दूसरे को निखारते हुए व्हाट आर यू डूइंग पीछे की तरफ खेलते जा रहे हैं बालाघाट के। हाँ, नंबर की जर्सी पहने हुए उज्जैन का जो खिलाड़ी टाइम काट रहे हैं खिलाड़ी थर्ड रेड है समांगन में अपनी रेड देता। और देखो भाई, हम बहुत दूर बिहार से आपको बदलने के लिए आया है, तरीके से देखेगा बच्चा गर्दी ने कर फिर से की मारने का प्रयास, लेकिन सफलता हासिल नहीं मिलेगी। इस बार दोनों पैर भरे गए हैं और हमारे अतिथिगण इस मैच का भरपूर दिवस रिपब्लिक डे शानदार, लेकिन उससे भी शानदार कैच बालाघाट के खिलाड़ियों द्वारा या सही बोनस के लिए पैरा करा, दोनों पैर पर दिए गए। शेड्यूल 4-4 अगले रेड एंड 7 बालाघाट की ओर से हाई जंप का ये डिफेंडर के पीछे फेंका रेडर ने, एक और अंक बालाघाट। बोनस का प्रयास बोनस मिला है अगले रेड बालाघाट 5 नंबर जर्सी उज्जैन का, अपने कदमों का इस्तेमाल दिखाना होगा, फोन निकालना होगा मीटिंग के लिए, शानदार हैंड टच की कोशिश देखते हैं, लेकिन निश्चित ही एक अंक मिला है बालाघाट को। 2.2 उज्जैन को, काफी अच्छा मैच देखने को मिल रहा है आपको, शानदार टेस्ट दिया गया है बालाघाट के खिलाड़ी को, और से एक और अंक मिला है बालाघाट को, निर्देशित किया गया है और अतिथिगण श्री गिरिराज जी लोकवंशी, जो की मंडल अध्यक्ष है प्यावरा, नीरज जी शर्मा महामंत्री युवा मोर्चा प्यावरा, और कृष्णा साक्यवार जो एम आर शर्मा जी जो की चयन करता भोपाल दो खिलाड़ी डिफेंस के लिए तैयार है बालाघाट के खिलाड़ी, किसी भी तरह से जो हम नहीं उठाना चाहेंगे, इसलिए भी मौका नहीं दे रहे हैं इंदौर के रेडरों को। अठारह उज्जैन और 7 शहडोल, शहडोल के खिलाड़ी काफी फुर्तीले खिलाड़ी हैं ये शहडोल वर्सेस उज्जैन जिला, दोनों टीम थर्ड रेड पे खिला रहे हैं, टू टच करने के प्रयास, निश्चित ही पॉइंट निकालना होगा, खुद का खुद आउट हो जाएंगे, जबरदस्ती पॉइंट दिया गया है बालाघाट की ओर से, जल्दी एक हमें आ जा सकता, एक और अंक मिला इंदौर को। मंच में आए गौरव जी अग्रवाल, आपका स्वागत है गौरव जी अग्रवाल, बालाघाट की जो कि हमारे फैंस के लिए तैयार है, एकेडमी के अध्यक्ष हैं ठाकुर डिफेंडर, देखना होगा क्या करते हैं इस रेडर में रेडर या डिफेंडर, ज्ञान सिंह जी गुजर का भी स्वागत है, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा जनपद अध्यक्ष, अगले रेट इंदौर ओर से टच लेकर वापस जिले के अगले रेट बालाघाट के जगदीश जी गुजर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पे आने की, जगदीश जी गुजर लेकिन नहीं मीट करते जा रहे हैं, जिला राजगढ़ कबड्डी संघ के अध्यक्ष जगदीश जी गुजर
बार से गलती की है लेकिन बाहर फेंक दिए गए हैं जनपद बालाघाट के रेडर को। मैच का उसका मध्यांतर हो चुका है, स्कोर इस प्रकार है। उज्जैन जिला ने 19 पॉइंट बनाए हैं जबकि शहडोल जिला 8 पॉइंट। इस प्रकार 19 पॉइंट दोनों पैरों को भर लिया गया लेकिन कैच की गई है बालाघाट के खिलाड़ियों द्वारा। एक और अन बालाघाट 6 नंबर जैसे बालाघाट के रेडर याद है मुराना इंदौर के हैंडर प्रयास हमें रेडरों को रोका जाए लेकिन रेडरों का प्रयास रहेगा किसी भी तरह डिफेंड को फाउल करके बाहर बैठा रहा है जिससे धोमा देने में लड़ाकड़िया खेड़ी की आन वान खान कसम कसम पटकता है बलराम सिंह गुजर के नूरे नजर रखते जिगर अपनी करीमा में उपस्थिति देकर इस कबड्डी के आयोजन को बहुत ही करीमा में कोशिश लेकर फिर से स्पोर्ट्स क्लब आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। जी हाँ, शहडोल वर्सेस उज्जैन के दरमियान आरसीसी भोपाल रेड हुई है और मुरैना के दरमियान मैच हुआ जिसमें बाजी मारी आरसीसी भोपाल खिलाड़ियों को बाहर करा। जी हाँ, कबड्डी एसएस जगदीश जी गुर्जर एक बार पुनः शहडोल वर्सेस उज्जैन के दरमियान ये मैच जारी है। उज्जैन महंकार के नीचे पधारे हुए येलो कलर में इसी के साथ बालाघाट टीम का लॉन आउट 1+1 मिली है इंदौर की टीम। स्कोरर की भूमिका निभा रहे हैं मरनी से जिनका आगमन हुआ है सम्माननीय आरती बिलाला जी और रेड है बालाघाट के 5 नंबर चेसी में रेड शानदार रेड प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी जरूरत है बालाघाट की टीम को हैंड टच मारने की कोशिश लेकिन देखना होगा रेफरी को। एक और अंक बालाघाट बनाए हुए और शहडोल भी पीछे नहीं समय समय पर वो भी पॉइंट जीत कर रही है शहडोल। जी हां, शहडोल निगाह है रेडर सेल्फ आउट। एक और अंक बालाघाट लंबी हाइट का ये खिलाड़ी फिकर है बदन का 5 नंबर शहडोल के कबड्डी के समरांगन में पॉइंट लेते जा रहे हैं इंदौर के खेमे में से रणनीति होगी इंदौर के डिफेंडर को किसी तरह से रेड बहुत शानदार रेड देखने को मिली है 5 नंबर रेडर द्वारा 11 नंबर जैसे इंदौर के लंबी कद खड़ी के रेडर को टच करने की कोशिश रेफरी से मांगा। एक और बहुत ही दिलचस्प तरीके से अजीब नजारा अद्भुत नजारा विस्मरणीय नजारा पेश करता हुआ शहडोल का ये बांका आयोजन किया गया है राजगढ़ दो अंक मिले हैं फिर से 5 नंबर खिलाड़ी को बालाघाट के हमारे खासम खान फिर से बालाघाट 5 नंबर जिसको रोकना नामुमकिन सा होता रहा इंदौर के लिए निश्चित ही पॉइंट निकालना होगा अन्यथा बाहर का रास्ता देखना होगा इंदौर के रेडर को। 13 बालाघाट के 5 नंबर रेडर जिसको रोकना नामुमकिन सा होता जा रहा है इंदौर के डिफेंडर द्वारा लगातार पॉइंट लिए गए हैं। चिलचिलाती धूप के बीच टूर्नामेंट चलता हुआ
लाजी पार्टी जा से ये साथ एक अंक से इंदौर ने जीत लिया है। आनंद जो नाम सुनकर ही खुशी।